हेलो 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 आपको पता है जो तोमर वंश थे वो हिस्ट्री में बड़े फेमस थे। हेलो मैं हेलो क्या बोल रही हूँ? हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी सब ठीक हैं। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। अभी नीतू गई है मार्केट, जल्दी चली गई है। त्यौहार आ रहे हैं तो इन्हीं की शॉपिंग करने गई किसी अपने फ्रेंड के साथ। बस अब मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए, फिर मुझे पूजा करनी है। तो दोस्तों नहाना धोना हो गया है, पूजा कर ली है, अपना पाठ भी खत्म हो गया है। अब नाश्ता आ गया है। नाश्ते में पराठा, दही और अचार। बस पराठा और दही अचार कर नाश्ता करके मिलते हैं आपसे। तो नीतू आ गई है, बस अब नीतू का वेट कर रहा हूँ स्टैंड पे। देखते हो कब तक आती है, 10 मिनट तो हो गए खड़े हुए। तो नीतू को लेकर आ गया हूँ स्टैंड से, शॉपिंग करके आ गई है। अब देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करके लेकर आई है। घर चल के पूछते हैं आराम से, पहले से पानी पिलाते हैं फिर पूछते हैं पानी कि क्या क्या पिलाओ लेकर क्या आई पानी है। पानी पानी पिलाओ चाहिए पिलाएंगे जी, आपको सुबह से गायब हो। दोस्तों नीतू लाई है आईलाइनर के सेट्स, आईलाइनर के सेट्स देख लो। आईलाइनर नहीं है ये आई जो भी शैडो है आई है। शैडो को सेट जो भी है तो आई के ही। अब देखो फिर ये मैडम एक मेकअप करती हुई मिलेगी आई शैडो आपको, है ये आई आई शैडो शैडो फिर मेकअप और करती हुई ये मिलेगी अभी आपको। लाइनर लाइनर ये मिला है। लाइनर देखो, लाइनर ये लाइनर है, नेल नेल पॉलिश, पेंट नेल पेंट। आज ने बहुत मोटा खर्च करा दिया है मेरा। ये देखो दोस्तों, ये नहीं तो अभी शॉपिंग करके आई है और उसकी अभी भी बात खत्म नहीं हो रही कपड़ों की। जब से बोल रहा हूँ खाना दे दे खाना दे दे। अब जो भी मार्केट से चाहे मैं से आई हूँ, खाना तो अभी अब रेड कलर की लेडीज ही देती हैं। साड़ी, रेड कलर की साड़ी, साड़ी के लिए अरे साड़ी के लिए छोटी रहेगी भैया ये। तो ये बच्चे खाना खा रहे हैं, खाने में शायद इनको आलू की रोटी मिली है और चटनी, और पता नहीं इसमें पतीले में क्या, पतीला भी यहाँ रखा हुआ है। ये सब बच्चे हैं और ये टीवी देख रहे हैं, टीवी पे यूट्यूब चल रहा है। और पूछते हैं चलो कहाँ गए सब। सोम बेटा कहाँ गए हैं मम्मी और चाची? अच्छा, चाचा जी फंक्शन है कल, कल ही है क्या? ठीक है। तो दोस्तों नीतू आ गई है और रात ही खाना खा रही है। जो खाने में खा रही नीतू, आप वह क्या खा रही है? खिचड़ी रोटी नहीं अपने आज? आलू की रोटी और चटनी, काहे की चटनी होगी? टमाटर, भुने हुए टमाटर की और भुनी हुई मिर्च और अच्छा आलू, अच्छा रोस्टेड आलू, रोस्टेड आलू मतलब देसी जाटो वाला खाना। अच्छा लस्सी चलो, भी होती है साथ में लेकिन मेरा गला खराब है इसलिए नहीं। मुझे दे देना लस्सी ना, उसके बिना मजा नहीं आता। हाँ आप तो लस्सी जरूर लोगे रात को भी। ठीक। अच्छा वैसे भाई देव गए कहाँ थे? अभी तो 10 बज गए हैं, कब का है बैठे हो? मैं वेट कर रहा हूँ, कब से भूख लग रही है। अरे हम लोग ना वो चाचा जी का कल वो है ना फंक्शन है वहाँ पे, तो अच्छा उनके लिए सामान लेने गए थे ना कल वहाँ पे सर, फंक्शन फंक्शन के कल ही है लिए, क्या वहाँ पे? जाना है कल सुबह। अच्छा दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, आप वेट कर रहा हूँ नीतू और भाभी की आ जाएँ तो कुछ खाने के लिए दे, भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। अब सोम ने बताया है कि वो कल चाचा जी का फंक्शन है तो उसी के लिए कुछ शॉपिंग करने गई हैं। देखिए क्या लाती हैं, कब तक आती हैं, भूख तो लगी है बहुत ज़ोरों से। वेट करते हैं, वेट तो करना पड़ेगा। दोस्तों एक बात तो है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं डेली जैसे व्लॉग्स बनाता हूँ तो मज़ा आता है, डेली एक्साइटमेंट सी रहती है व्लॉग्स बनाने की। कुछ नया मिल गया है और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है सब बनाने में ना। भाई ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को, बस घर के कुछ क्लिप्स दिखाते हैं। कोशिश करूँ कर रहा हूँ कि बाहर बाहर के एक्सप्लोर करूँ, आपको दिखाऊँ और आपको ज़्यादा इंटरटेनमेंट हो आपका, कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों नीतू आ गई है और रात ही खाना खा रही है। जो खाने में खा रही हूँ तो आप वह क्या खा रही है? खिचड़ी रोटी नहीं अपने आज? आलू की रोटी और चटनी, काहे की चटनी होगी? टमाटर, भुने हुए टमाटर की और भुनी हुई मिर्च और अच्छा आलू, अच्छा रोस्टेड आलू, रोस्टेड आलू मतलब में। देसी जाटो वाला खाना। अच्छा लस्सी चलो, भी होती है साथ में लेकिन मेरा गला खराब है इसलिए नहीं। तो मुझे दे देना लस्सी ना, उसके बिना मज़ा नहीं आता। हाँ आप तो लस्सी जरूर लोगे रात को भी। ठीक। अच्छा वैसे भाई देव गए कहाँ थे? अभी तो 10 बज गए हैं, कब का है बैठे हो? मैं वेट कर रहा हूँ, कब से भूख लग रही है। अरे हम लोग ना वो चाचा जी का कल वो है ना फंक्शन है वहाँ पे, तो उनके अच्छा लिए सामान लेने गए थे ना कल वहाँ पे सर, फंक्शन फंक्शन के कल ही लिए, है क्या वहाँ पे? जाना है कल सुबह। अच्छा मुझे अपने बाल में छोटे करा दिए, अपने के बाल सारे बाल खराब करा दिए। कहीं नहीं हुए छोटे। अरे यार जब कटिंग होती है ना तो एक प्रॉपर ना बस उतना ही होता मैंने है। अपने 4 साल पहले वेडिंग कराई थी, जैसे जैसे बाल बढ़े थे आपके, अब फिर मैंने बाल कटवा दिए अपने। अच्छा फिर बढ़ जाएंगे बाल, ऐसे बढ़ जाते हैं लगते हैं इतने यार, अभी ज्यादा। मुझे बाल बड़े अच्छे लगते हैं।
अरे इतने ना डैमेज हो रहे थे, बहुत ज्यादा सारे खराब हो रहे थे। और आपने कहा था कटवा लो, अरे मैंने कहा था ट्रिमिंग करा दो ना, कटवाई दोनों को आपने कहा था आ कटवा जाए, लो, आ जाए तो करा मैंने देंगे। बोला मैं ज्यादा कटवाऊंगी, आपने बोला कटवा लो, आप बोल कर गए थे झूठे झूठे बोल कर गए थे, बोल कर गए थे हाँ चलो जैसे बाल करा छोड़ छोड़ कितने लंबे बाल करा इतने लंबे लंबे फिर से बढ़ और आधे जाएंगे। बाल करा दिए पूरे इसने अपने, अरे फिर से बढ़ जाएंगे, मुझे तो बड़े बड़े अच्छे बाल लगते हैं, छोटे छोटे नहीं अच्छे लगते मुझे लेडीज के। हर किसी को बड़े ही बाल अच्छे लगते हैं, हमें भी बड़े ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मशीन तो आप इसे कंटे से डायरी में घुसे हो क्या कमाल रहे उसमें से कंटे से आप। अरे यार ये वो मेरी वो वाली डायरी है ना, जॉन्स वाली डायरी है, मैंने सोचा कि आज इसको सेट कर लेते हैं, उसमें सारे अच्छा पेपर्स भी ना ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिसमें मैंने कविता लिखते हुए है क्या। ऐसे ही अच्छा जहाँ जब मन करता है लिख के छोड़ देती हूँ, ऐसे ही पड़ी हुई है सारी की सारी ना, तो फिर मैंने सोचा आज इसको सही से लगा देती हूँ। आपने जब बताया था कि आपका वर्क फ्रॉम होम आप क्या क्या करते हो, आपने बताया था अपने व्यूअर्स को, नहीं बताया ना आपने, तो आपने मेन बात तो बताई नहीं अपना जो आपके इतना दोस्तों इतना अच्छा टैलेंट है, कविता मैं लिखते हैं बहुत अच्छी है, मैं बताऊँ ना आपके बताओगे अपने बता। अपने तरफ खुद ही कराओगे मैं दोस्तों तारीफ कहाँ कर रही हूँ। दोस्तों बड़ी अच्छी कविता लिखती है, बहुत ज्यादा अच्छी लिखती है, कोई ना कोई कविता किस दिन सुनाएगी आपको, किस दिन की आज ही सुनाएगी, मैं सुनाता हूँ चलो बहुत गंदी कविता पढ़ते हैं ये मेरी, मुझे शर्म आ जाती है अपने आप से, इसलिए मैं नीतू शुरू कर दो अपनी कविता। लो कविता शुरू करूँ? हाँ शुरू करो, बोलो बोलो फटाफट बोलो। चलो कविता का टाइटल है कभी कभी। थोड़ा तेज बोलो। तिनके का भी होता है सहारा कभी कभी, आंखें जो देखती हैं वो होता नहीं है सच कभी कभी, ऊंचाइयों को पाकर न फख्र कर, क्योंकि गिरता है आसमां से ही सितारा कभी कभी। बस वाह वाह तो करो, अभी तो वा, और है। वा, चलो वाह 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 वाह। एक मोड़ पर देखा था उस नन्हे फरिश्ते को, अच्छा ठीक है, अपने मजबूर हाथों में जिम्मेदारियों की टोकरी लिए, एक मोड़ पर देखा था उस नन्हे फरिश्ते को अपने हाथ में जिम्मेदारियों की टोकरी लिए, क्योंकि घर में वह अकेला मर्द है, जब वह खड़ा होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों के शीशों के बाहर हाथ में खिलौने लिए। कितना अजीब है ना कि खुद ही खेलने की उम्र में खिलौनों की टोकरी लेकर निकल पड़ा है। कितनी बेबसी और लाचारी है उसकी आंखों में, कितनी बेबसी और लाचारी है उसकी आंखों में, याद आ जाता है उसका चेहरा कभी कभी। वो शख्स जानता है गरीब के दर्द को, जो फाके पर गुजारा करता है कभी कभी। पढ़ लिख कर अफसर बना बेटा विदेश में है, परिवार भी बसा लिया है अब तो, पर बूढ़े लाचार माँ बाप यहीं पड़े हैं, क्योंकि अब वो किसी काम के नहीं, फिर भी माँ कलेजे के टुकड़े का रास्ता देखती है आज भी कभी कभी। माँ बाप बस सीढ़ियां भर हैं अब कि पांव धरो और चढ़ जाओ ऊपर। काश हम नाए होते इतने आगे, काश हम नाए होते इतने आगे, कि देख पाना मुश्किल होता, चल पाते हम भी पीछे, चल पाते हम भी पीछे, छूट गए हम सफर के आज भी कभी कभी। यार आप मेरी हिस्ट्री के नोट्स निकलवा के लाए बच्चों के, मैं आपको फोटोकॉपी करने व्हाट्सएप जो करे थे। हाँ हाँ जी मैडम, मैं क्लॉक करके आया हूँ, गाड़ी गाड़ी में रखे हुए हैं। लेना हाँ गाड़ी में रखे हैं, ला दी निकाल के यार, और जो पेन मंगाए थे वो भी ला दिए हैं, ठीक है। अब बस आप गाड़ी में से निकाल लेना इसको। हाँ मैं गाड़ी में से नहीं निकालती, तो 3 दिन तक उन्हें अपने साथ लेकर घूमते हो आप, तो बच्चे मेरे पास आपका काम है ना, आपको बोलते हैं तो आप लाया करो ना उन पर। कुछ सोने चले मुगल वंश के बारे में क्या जानते हैं? मैं कुछ नहीं जानता मैडम, आप पढ़ाने में बैठ जाना। अरे मैं पूछ रही हूँ जस्ट दोस्तों मेरा एडिटिंग का काम कंप्लीट हो गया है, उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इसी तरह हमें अपना प्यार बनाए रखिए। और एक बात के लिए और बताना था कि कल का व्लॉग हमारा डिलीट हो गया, जैसे कि पहले बता भी चुका हूँ, तो उसके लिए हमने कुछ अपने क्लिप्स मेमोरीज डाल दिए, अगर वो भी अच्छे लगे तो प्लीज़ वो भी आप बताना कैसी लगी आपको, कमेंट्स में बताना। तो इसके साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, गुड नाइट। हे हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाय हाय।